मुहूर्त मैट्रिमोनी पर फ्री रजिस्ट्रेशन और पैकेज का झंझट भी नहीं। अपने पसंदीदा प्रोफाइल को लाइक करें सिर्फ 25 रुपए में एक प्रोफाइल। डाउनलोड करें मुहूर्त मैट्रिमोनी सिर्फ प्ले स्टोर से। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एमसीडी में बिल माफी पर सियासी बवाल हो गया है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी है और आज सड़कों पर उतरकर उपराज्यपाल और गृह मंत्री अमित शाह के घर पर प्रदर्शन करने की तैयारी में थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन पर रोक लगा दी है और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने विधायक ऋतुराज, राघव चड्ढा, कुलदीप कुमार और संजीव को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन विधायकों को हिरासत में ले लिया गया है। ये विधायक बिना इजाजत गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा है कि वो बीजेपी की अगुवाई में चल रहे दिल्ली के नगर निगमों में 2,457 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे थे। हालांकि इसका ऐलान शनिवार को ही कर दिया गया था। आप विधायक आतिशी मार्लेना ने पूरे घोटाले की जानकारी दी है। नॉर्थ एमसीडी बार बार ये कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अपने डॉक्टरों की तनख्वाह दे सकें, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम नर्सिस की तनख्वाह दे सकें, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम सफाई कर्मचारी की तनख्वाह दे सकें। लेकिन वही नॉर्थ एमसीडी 2,500 करोड़ का साउथ एमसीडी का जो किराए का बकाया था उसे माफ करके जीरो कर सकती है। पिछले कई सालों से अगर आप साउथ एमसीडी के अकाउंट्स देखिए तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप में लिखा रहता था कि 2,500 करोड़ सिविक सेंटर में जो एसडीएमसी का ऑफिस चलता है उसका किराया बकाया था। लेकिन इस साल के बजट में वो 2,500 करोड़ गायब हो जाता है, बकाया जीरो हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये 2,500 करोड़ रुपए गए कहां? सवाल ये है कि इस 2,500 करोड़ को जीरो करने में किस भाजपा के साउथ एमसीडी के नेता के पास, किस भाजपा के नॉर्थ एमसीडी के नेता के पास कितने पैसे गए कि वो बकाया जीरो हो गया? आज आम आदमी पार्टी की मांग है कि इस 2,500 करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच की जाए, कि एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि 2,500 करोड़ रुपए का लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर कैसे हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जेब में पैसे गए, ये जनता को जानने का अधिकार है और जो इसके लिए दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस 2,500 करोड़ से ही डॉक्टरों की तनख्वाह दी जा सकती थी, इस 2,500 करोड़ से नर्सों की तनख्वाह दी जा सकती थी, इस 2,500 करोड़ से सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सकती थी, टीचरों की तनख्वाह दी जा सकती थी। लेकिन आज ये 2,500 करोड़ गायब हो गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इससे पहले किसानों के भारत बंद के दिन भी आपने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर लिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आपके इन आरोपों को खारिज कर दिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।